राजीव रंजन, आप जवाब देना चाह रहे थे स्वयं पुरोहित का, राजीव रंजन, उसके बाद आ रहा हूं विंग कमांडर। देखिए, सबसे पहले तो स्वयं पुरोहित मुझे कुछ पार्टियों के प्रवक्ताओं की जो शैली है, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि इनके नेताओं के तरफ से भी ऐसे बयान नहीं आ सकते हैं। पता नहीं शब्द कहने के पहले अपनी लक्ष्मण देखा ये पहचानते हैं या नहीं पहचानते, और अपनी हैसियत और अपनी जमीन को भी पहचानना चाहिए। इन्होंने गोडसे की पार्टी कहा, हम लोग जब किसी भी अलायंस में होते हैं तो निश्चित तौर उस अलायंस की जुबान बोलते हैं, लेकिन आप अलायंस में हैं कहां, 42 सीटों पर लड़ेंगे तो कुछ 42 नई सीटें बनाने की योजना है क्या, कुछ ऐसा सोच रहे हैं? कहां कांग्रेस को आप घास डालने के लिए तैयार हैं? केवल शुगर कोटेड जो वो टैबलेट खिला रहे हैं लोगों को, अलायंस से कितनी दिलचस्पी है आपकी अलायंस में वो हम लोग भी जानते हैं। बार बार तल्ख टिप्पणियां, बैठकों में नहीं जाएंगे, आखिरी समय में अपने तेवर दिखाएंगे, और मैंने तो 24 को कहा, कौन आपके 24 तारीख को याद करता है? लोगों की याददाश्त ऐसी नहीं है स्वयं पुरोहित जी, और नीतीश कुमार जी बनने में कई जन्म लेने पड़ेंगे। राजीव जी, पहले मेरी बात सुनिए, अभी बीच में इंटरप्ट नहीं कीजिएगा, मेरी आदत नहीं है और ना मैं आपको अनुमति दूंगा। रुक जाइए अभी, एक सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, ये जो उनके विरोधी है जिसको अभी त्रिपाठी जी ने भी कहा, नीतीश कुमार जी को किसी अभिषेक बैनर्जी को प्रोजेक्ट नहीं करना है, नीतीश कुमार जी को राहुल गांधी जी की ताजपोशी के लिए मेहनत नहीं करना है, या राहुल गांधी जी या उनके पहले जो एक वंशवादी पार्टी की जो परिस्थिति है अलायंस में, जाति परिवारवादी पार्टियों के साथ सभी अलायंस को जोड़ना पड़ता है, वहां कई तरह के समझौते होते हैं, लेकिन ये नीतीश कुमार जी के पास तो ये कहने की बात है ना कि उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, उन पर परिवार को प्रोत्साहित करने का आरोप नहीं लगा, मुख्यमंत्री यहां थे, यहां भी मुख्यमंत्री बने, कुछ या इससे कोई बहुत कुछ उनका बदलने नहीं जा रहा, लेकिन इतनी बात तय है कि बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही आपकी जो भावी योजनाओं में जो आपकी जो भूमिका है और गठबंधन के अंदर जो एक बड़ा गत्यावरोध है उसको उन्होंने पहचान लिया कि आप विकल्प देने की स्थिति में नहीं है, आप टुकड़े टुकड़े में बटना आपकी नियति है, और कांग्रेस का एकाधिकारवादी जो प्रवृत्ति। ओके राजीव जी, राजीव जी टाइम खत्म हो जाएगा, एक सेकंड, आपने वो याददाश्त की बात कही थी ना, तो मैं ये कह दूं कि देखिए याददाश्त तो सबकी मतलब इतनी तो मजबूत होती ही है कि पिछले 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन याद रखें। आप लोग आते थे, आप स्वयं पुरोहित एक तरफ बोलते थे, आज मैं थोड़ा अजीब सा, मुझे भी लग रहा है हर्षवर्धन त्रिपाठी भी मुस्कुरा रहे थे, मैं भी मुस्कुरा रहा था, क्या नहीं, नहीं, आज नहीं। क्या आज राजीव जी और स्वयं पुरोहित एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे? मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैंने आपको कहा कि जिस अलायंस में आप होते हैं उस अलायंस की बात आप करते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन किसी नेता के बारे में आपने आज तक ऑन रिकॉर्ड मुझे अपमानजनक टिप्पणी? नहीं नहीं, वो सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं आप। और राजीव जी एक छोटा सा जवाब और दे दीजिए, श्याम रजक कह रहे हैं कौन से छापे पड़े थे, नीतीश कुमार ममता बनर्जी और इंदिरा गांधी बनने के लिए, नरेंद्र मोदी बनने के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी बनने के लिए जिस तपस्या की जरूरत है वो स्टूडियो विमर्श से वो तपस्या। ओके श्याम रजक कह रहे हैं कौन से छापे पड़े थे राजीव जी, जिसके बाद आप बीजेपी में चले गए, एनडीए में चले गए। अब श्याम रजक जी के साथ तो हमारा 40 वर्षों का संबंध है, वो रोशनी खुद डाल दें तो जिस बात की हमको जानकारी नहीं है, पब्लिक डोमेन में हम बात कर रहे हैं, तो खुलकर उन्हें कहना चाहिए कि किन क्या छापे पड़े।